ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपरिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं और इसमें पिछले कई सूत्र सत्संग के बारे में हमने अध्ययन किया, सत्संगति सत्संग उसके बारे में। मुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगवत कृपालेशाद्वा और उसके बाद महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च लभ्यते अपि तत्कृपयैव तस्मिन् स्तज्जने भेद अभावात्। सत्संग मतलब भगवान के जो लोग होते हैं उनका संगत करना। सत्य सत्य और भगवान दोनों एक ही है, इसलिए सत्संग मतलब भगवान के लोग होते हैं। सत्य का संग मतलब भगवान के जो लोग हैं उनके संग करना, जो भी भगवान के नाम स्मरण करते हैं, जो भी महात्मा है सदा भगवान को अपने हृदय में बिठाते हैं ऐसे महात्माओं को उनका संग करना भक्ति को बढ़ावा देती है, अंदर जो भक्ति है उसको बढ़ावा देती है। और उसके बाद अभी ये भक्ति साधना है इसके बारे में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्ययन करने वाले हैं सूत्र नंबर 43। ये 43 में ये सूत्र है दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः। दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, दुस्संग सर्वथा एव सर्व प्रकार से, त्याज्यः त्याग करने योग्य है, मतलब जो दुस्संग जो है उसको सर्व प्रकार से त्याग करना होगा। जो भी सचमुच भक्ति बढ़ाना चाहता है अपने अंदर उसको दुस्संग को त्याग करना होगा। दुस्संग मतलब पहले सत्संग के बारे में बताए थे, अब दुस्संग असत्संग, सत्संग हुआ ये असत्संग, असत्संग का सर्व प्रकार से त्याग करना उचित है। दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, इसका अर्थ ये है कि ये असत्संग असत्संग सर्व प्रकार से त्याग करना उचित है। अब देखिए पहले बताया गया महत्संग, महात्माओं के जो संगत जो है उसको करना, और महात्मा कौन है उसके बारे में बताया गया, और उसके बाद तस्मिन् स्तज्जने भेद अभावात्, जो भगवान के भक्त हैं वो महात्मा हैं, सत है सत्संग मतलब उनके संग करना, और भक्ति प्राप्ति के लिए ये अपरिहार्य सहायक है इसके विषय में अभी कह चुका है। अभी ये भक्ति पाने के लिए प्रतिबंधक जो होता है, जो भक्ति मार्ग में प्रतिबंधक सृष्टि करते हैं उस असत संग को त्याग करने का, ये प्रतिबंधक समूहों का उल्लेख कर साधक को सावधान किया जाता है, साधक को सावधान किया जाता है असत संग से दूर रहो। दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः,
दुस्संग कह दिया, और उसके बाद सर्वथैव सर्वथा एव सर्व प्रकार से उसको त्याग करना होगा, उसको त्याग करना होगा। अब इसको हम समझने के लिए देखिए, भक्त जब तक पराभक्ति नहीं मिल जाता तब तक संग का जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मानव जीवी हैं, मानव जीवियों को यहाँ रहने के लिए संग रहना जरूरी है, संगत जो है वो रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने बताया पहले ये जरूरी है, इसलिए सत्संग करो, संग बिना रह नहीं सकता जब तक पराभक्ति नहीं मिलता, क्योंकि जब पराभक्ति मिल जाती है तब वो लोग आत्माराम हो जाते हैं, मतलब अपने आप में आनंद मिलता है उनको और कोई बाह्य आधार का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन तब तक बाह्य आधार का जरूरत पड़ती है, बाह्य आधार का जरूरत पड़ती है। इसीलिए एक काम करो, सत्संग में मन को लगाओ। सज्जन जो है, भगवान के भक्त जो है, उन लोगों के साथ अपने चित्त को रखो, अपने मन को रखो, तब उनके अंदर जो भी जो भक्ति है वो तुम्हारे अंदर भी जगेगा। क्योंकि मन है ना, मन सोचता है, पहले अपने अंदर तो संस्कार है ही है, उसी के साथ साथ बाहर जब हम देखते हैं उसी हिसाब से मन सोचता है। श्री रामकृष्ण कहते थे, जब एक व्यक्ति शू और पैंट वो सब लगाते हैं ना, उन दिनों वो बहुत बड़ा फैशन था। श्री रामकृष्ण जब थे, ब्रिटिश लोग आए थे, कलकत्ता में रहते थे, कलकत्ता राजधानी श्री रामकृष्ण देखे थे, और जो भी व्यक्ति है ना ये शू और पैंट वो सब पहनता है, पहनने के बाद है ना जब ये स्टेप्स है ना, सीढ़ी जब है ना, जहाँ पे स्टेप्स हो उसके ऊपर जाने के समय एक एक करके नहीं जाता, दो दो करके जाता है, और वैसे करने के वक्त क्या करता है, सीटी बजाता है। श्री रामकृष्ण कहते थे, देखिए संघ का ये देखिए, हर एक चीज का अपना संघ होता है। जैसे देखिए, जो ध्यान करना हो तो यहां आना चाहिए, कोई एक क्रिकेट फील्ड में जाके जान कर सकोगे? नहीं होगा, क्योंकि वहां का माहौल अलग है, मन उस प्रकार काम करता है। वहां पे भागना चाहिए, जंप करना चाहिए और सीटी बजाएंगे, ये सब होगा। वहां पर तो बैठ के मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, और मेडिटेशन करना हो तो ऐसे मेडिटेशन हॉल को आना चाहिए, ध्यान मंदिर में बैठ के ध्यान करना होगा, शांत प्रदेश में ध्यान करना होगा। जब ऐसे ये इसको देखेंगे यहां बैठ के, बहुत सारे भक्त कहते हैं, स्वामी जी जब आश्रम में आके बैठता हूं ना, ध्यान इतना अच्छा होती है, घर में उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हर एक है ना, जो मन है, ये जो परिसर जो है, वातावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है, उसके अनुसार मन, हमारे मन उसको प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। जब अच्छा परिसर, शांत परिसर मिला, बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, और जब क्रिकेट मैदान में जाते हैं वहां जंप करना, ये सब है ना अपने आप से। इसीलिए स्वाभाविक रूप से मन इसको रिएक्ट करता रहता है। इसीलिए जो भक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, जिसके अंदर भक्ति हो उनके संग करो, वो तुम्हारे अंदर भक्ति को जगाएगा। क्योंकि अपने अंदर संस्कार तो है ही है, दो प्रकार का संस्कार भी है, दोनों है अंदर। जब तक भगवान के साक्षात्कार नहीं होता तब तक दोनों प्रकार का संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार भी होंगे, बुरे संस्कार भी होंगे, क्योंकि कितना जन्म से है ये हमें पता नहीं। इसीलिए उस प्रकार से सत्संग जब करोगे तब मन में जो भक्ति जो है उसको बढ़ावा मिलती है। वैसे ही हम तो यहां भक्ति के विषय में भी ये कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र। इसलिए नारद यहां जिसको भक्ति बढ़ाना चाहिए,
भक्ति का डेवलप होना चाहिए अंदर से, उसके लिए क्या करना चाहिए? ए दुस्संग को, दुस्संग को सर्वथा एव त्याज्य, सर्व प्रकार से त्याग करो दुस्संग को सर्व। क्योंकि जब दुस्संग पे मन लगाते हैं, मन भगवान के ओर नहीं जाता है, क्योंकि भगवान के याद कैसे आएगा? उनके साथ जो है, उनका जो तन्मात्रा जो है और मन उसको है ना रिएक्ट करता है, तब मन में, मन के अंदर जो भी कुसंस्कार है वो जग उठता है। सुसंस्कार नहीं, कुसंस्कार जो है वो जग उठता है। इसीलिए कहते हैं उसको त्याग करो, उसको त्याग करो। और कहते हैं संग कहने का तात्पर्य केवल मनुष्य का संग नहीं, जो सब वस्तुओं या स्थान अंतकरण में भोग वासना को उत्पन्न करते हैं, मन को निम्नगामी करते हैं, उस सब को सावधान पूर्वक दूर ही छोड़ देना होगा। सजेशन, बाहर का जो है सब मन को सजेशन है, अपने अंदर जो संस्कार है उसको सजेशन देते हैं, उसी प्रकार मन काम करता है, इसलिए उसको दूर रखना होगा। ये दुस्संग मतलब दुष्ट लोग तो है ही है, और उसके साथ साथ ये सोच जो है, मतलब बुरा सोच मन में जो आता है, वैसे सभी संग को त्याग करना होगा। और उसके साथ साथ जो चीजें हमें बुरा सोच मन में है ना जगाते हैं, मन को निम्नगामी करते हैं, ऐसे वस्तुओं से दूर रहना चाहिए और व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, ऐसे जगह जो है वहां से भी दूर रहना चाहिए, सर्व प्रकार से इसको त्याग करना होगा। इसलिए ये भक्त के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो भक्ति जगाना चाहते हैं और दुस्संग क्या करता है, हमको उसके उल्टा दिशा में ले जाना चाहता है, खींचता है, सिर्फ ले जाना नहीं है, खींचता है। देखिए जो मन का, मैंने पहले ही आपको एक बार बता दिया था, मन का स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है, निम्नगामी जाना। आपको अच्छा सोच आने के लिए प्रयत्न करना होगा, कॉन्शियस एफर्ट इज नीडेड टू ब्रिंग पॉजिटिव थॉट्स इन द माइंड। मन में एक अच्छा सोच, उसको लाने के लिए प्रयत्न पूर्वक है ना कॉन्शियस एफर्ट करना होगा, प्रयत्न करना होगा। लेकिन ऐसे छोड़ दो, बुरा सोच अपने आप आ जाता है। आप सब जानते हैं, कोई एक वस्तु हाथ में पकड़ के ऊपर उसको फेंकने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, तभी ऊपर जाएगा, वहां छोड़ दो नीचे गिर जाता है। वैसे मन का हाल भी वैसा ही है, मन को कुछ नहीं करो तब बुरा सोच अपने आप आ जाएगा, दुस्संग में चले जाएगा मन। नेगेटिव थॉट्स कम ऑन देयर ओन, हमें कोई कोशिश करने का जरूरत नहीं है। इसलिए इसको क्या करना होगा, प्रयत्न पूर्वक त्याग करना होगा उसको। मतलब हमें प्रयत्न किस में है, उसको त्याग करने में। मन को ऐसे छोड़ दो, अपने आप दुस्संग में लग जाता है। इसीलिए भक्त को सतर्क रहना होगा, भक्त को इस विषय में सतर्क रहना होगा, अपने मन को परिशुद्ध रखो। क्योंकि जब हम साधन भजन करते हैं ना, तब मन परिशुद्ध होता जाता है, धीरे 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 चित्त शुद्धि होता है। अब देखिए, जब हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़े जब पहनते हैं उसको बीच बीच में हम वॉश करते रहते हैं, और कभी कभी कई लोग सोचते हैं अच्छा तो वॉश करना है इसलिए और थोड़ा गंदा होने से होने दो। वो कपड़ा को आसानी से हम ये कर सकते हैं, आजकल ना बहुत सारे वॉशिंग पाउडर और उसके बाद वॉशिंग मशीन वो सब आए हैं,
लेकिन मन को उतना आसानी से शुद्ध नहीं कर पाएंगे, उसको ये करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारा प्रयत्न ये होगा कहीं ना कहीं ऐसे संघ जो है उसका कांटेक्ट में ना आए मन, उससे थोड़ा दूर रहे। कभी कभी ना जब ये बात कहते हैं कई भक्त लोग ये कह बैठते हैं, स्वामी जी देखिए जो हम दुष्ट लोगों का संग त्याग दिया उनका क्या होगा, उनका तो कोई सत्संग चाहिए, वो तो आगे बढ़ने के लिए। पहले हमारे अंदर ये दम होना चाहिए, ये शक्ति होना चाहिए, अपने जो सद्विचार और सत्संस्कार जो है उसको बना रखने के लिए हमें शक्ति चाहिए। क्योंकि हमारी अवस्था ऐसा है कि अच्छे लोगों के साथ रहने से, सत्संग में रहने से मन भगवान की चिंता करती रहती है, और दुष्ट लोगों के साथ जाने से मन बस बुरा सोच शुरू हो गया, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाता है, मतलब उनके प्रभाव में आ रहा है अभी भी। जब हमें इतना शक्ति आएगा कि बुरे लोगों के साथ रहने से भी मन में बुरा सोच नहीं आएगा, तब आप मतलब किसके जिसके साथ भी रहो कोई आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी तो हाल ऐसा नहीं है, जिसके साथ रहेंगे वो सोच हमारे मन में आ रहे हैं, इसीलिए उसको छोड़ना होगा। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। शास्त्र में इसके बारे में बहुत सारे ये कहते हैं, उसमें कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। उपनिषद में ये कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, मतलब जब आहार शुद्ध होता है तब अपने अंदर जो सत्व है वो भी शुद्ध होता है। आहार मतलब क्या है, सिर्फ खाने का चीज नहीं है, आहरीयते इति आहार, जिसको हम अपने अंदर लेते हैं, अपने आंखों से दृश्य देखते हैं, अपने कानों से शब्द सुनते हैं, और स्पर्श उसमें भी होता है, और गंध वो भी उसमें भी होता है, संस्कार सब प्रकार का होता है। ये इंद्रियों द्वारा जो भी विषय वस्तु हम अंदर लेते हैं वो सब आहार हो गया। जब वो शुद्ध होगा, अंदर जब हम लेते हैं, अच्छे दृश्य देखते हैं, भगवान का जो मूर्ति देखते हैं, तब अंदर अच्छे सोच आ जाता है। कोई एक शैतान मतलब कोई एक बहुत बड़ा गुंडा, उनको जब देखेंगे मन के अंदर बुरा सोच आएगा। इसीलिए जो भी देखोगे उसके ऊपर सतर्क रहो। ये जो भी बुरा चीज है उसको देखने से बचो, अपने आप को बचा लो। और वैसे बुरा जो बातें हैं उसको सुनना है ना, उससे अपने आप को बचा लो। क्योंकि देखिए कोई एक चीज भला बुरा कैसा होता है, अब ये भी पूछते हैं, मतलब सत्संग दुस्संग तो मैंने बता दिया, बताने के लिए तो आराम से बता देंगे, लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सत्य है कौन सा असत्य कौन सा है। श्री राम कृष्ण कहते हैं जो भी सोच, जो भी दृश्य, जो भी शब्द, जो भी रस आपको भगवान के याद दिलाती है, भगवान के ओर ले जाती है, वो सत्संग है। और जो भी सोच हो, जो भी व्यक्ति हो, जो भी जगह हो, भगवान से आपको दूर ले जाती है, विरुद्ध दिशा में ले जाती है, वो दुस्संग हुआ, वो दुस्संग हुआ। ये सत्संग वो दुस्संग, क्योंकि भगवान से दूर ले जाती है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक
फिजिकली मेंटली एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट एज पॉइजन. देर इज नो ट्रुथ इन इट. उसमें सत्य नहीं है. जो आपको कमजोर करेगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, उसको विष जैसे त्याग करो. विष तुल्य समान आप उसको त्याग करो. विष तुल्य मान के उसको त्याग करो. किसको? जो भी आपको कमजोर करेंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से. रिजेक्ट इट एज पॉइजन. देर इज नो ट्रुथ इन इट. ट्रुथ इज स्ट्रेंथनिंग. ट्रुथ इज ऑल पावर. सत्य जो है अपने आप को मजबूत करता है, कमजोर नहीं करेगा. शक्ति अंदर है ना, शक्ति डालेगा सत्य. जो भी आपको आत्मविश्वास दिलाएगा वो सत्य है. जो भी आपको अपने अंदर विश्वास दिलाएगा वो सत्य है. और आपको मजबूत बनेगा वो सत्य है. और यदि कमजोर बनाए वो सत्य नहीं है. देर इज नो ट्रुथ इन इट. रिजेक्ट इट एज पॉइजन कहते हैं स्वामी जी. समझ में आ गया? इसको हमें थोड़ा सोच के करना चाहिए. और ये कैसे समझेंगे आप बता सकते हैं? मतलब कैसे समझेंगे कौन सी चीज हमें कमजोर करता है? अनुभव से पता चल जाता है. हम तो इतना साल बीत गए हमारे जीवन में, हमें इतना तो समझ में आ जाना चाहिए है ना, कौन सी चीज हमें कमजोर करेगा, कौन सी चीज हमें स्ट्रेंथनिंग करेगा. हा? ये जो पिज्जा बर्गर ये सब करके आप यदि सोचे मेरे बहुत स्ट्रेंथ आएगा, आप सब जानते हैं उससे क्या होगा. खाने के लिए तो अच्छा है लेकिन शरीर को मजबूत नहीं करेगा. इसीलिए ये जो है ना, थोड़ा अपने अकल जो है उसको उपयोग करने से ये समझ में आ जाएगा. भगवान ने इसीलिए दिया है ना, इसको उपयोग करने के लिए. धीरे धीरे उपयोग करेंगे तब समझ में आएगा. इसीलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही. अंदर जो लेते हैं अपने इंद्रिय द्वारा है ना, उसको थोड़ा संशोधन करके, मतलब कई चीज खाएंगे शरीर दुर्बल होगा तब हमें सोचना होगा इसके बारे में. पेट खराब करेगा रोक देना चाहिए. ये सब दुस्संग है क्योंकि अपनों अपने को कमजोर करेगा. और कोई जो बातें सुनेंगे मेंटली अपने आप को कमजोर करेगा वो ये है. एग्जामिनेशन है सामने और उसके बाद किसी के पास जा फ्रेंड्स के चले जाते हैं, क्या करूं मैंने पढ़ाई की नहीं किया. फ्रेंड्स जब बताएगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन में कॉपी करने के लिए सहाय करूंगा, हेल्प तो हो गया. लेकिन क्या होता है ये, क्या हमें मजबूत करेगा, कमजोर करेगा. एज ए पर्सन इट्स गोइंग टू मेक अस वीक. रिजेक्ट इट एज पॉइजन स्वामी जी कहते हैं. इसलिए ऐसे चीजों को हमें उनसे बच के रहना चाहिए, दूर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए. और उसके बाद जो भी चीज हमें कमजोर करेगा उससे हमें दूर रहना चाहिए. आहार शुद्धो सत्व शुद्धि. जब हम दूर रहेंगे सिर्फ जो भी स्ट्रेंथनिंग जो है हमें शक्ति देते हैं, शक्तिदायी विचार और शक्तिदायी दृश्य ये सब हम देखते रहते, शक्तिदायी लोग है ना, जिसके पास जाने से हमें ये मिलता है, ऊर्जा मिलता है. ऐसे लोगों के संग जब करेंगे धीरे धीरे अपने अंदर सत्व शुद्धि ही, अपने अंदर का संस्कार परिष्कार होता जाता है. धीरे 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 स्ट्रेंथ मिलता है, शक्ति मिलता है अंदर से. इसीलिए इसको करना चाहिए. जो भी कमजोर करेगा उसको हमें उससे दूर रहना चाहिए. दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः. ये इसमें शास्त्र में इसके बारे में बहुत बताए. जब हम पुराण पढ़ेंगे ना, पुराणों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे जहां पे जो लोग है ना, जब दुस्संग को करके धीरे 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 कैसे पतन के ओर जाते हैं ये दिखा देते हैं उसमें है ना. जब हम
पुराणों में पढ़ेंगे धीरे धीरे कैसे पतन की ओर जाते हैं, वैसे ही सत्संग के कारण से कैसे आगे बढ़ते हैं वो उसको भी दिखाते हैं शास्त्र में। पहले पिछले सूत्र अध्ययन करते समय हमने बताया था इसके बारे में, जब वाल्मीकि को सप्तर्षि मिले थे और उनके संग से कैसे उनमें परिवर्तन आया, उनके सोच में परिवर्तन आया। तब तक सिर्फ ये डकायतों के इसमें कंपनी में रहते थे, इसलिए डकायती कर में कोई उसको इतराज नहीं था, लेकिन जैसे उनसे मिले और उसके बाद ये पता चला जो भी जिसके लिए मैं कर रहा हूँ वो तो इस पाप में भागी नहीं होंगे, तब उनके मन में परिवर्तन आया और उनकी कृपा से, सप्तर्षियों की कृपा से श्री राम नाम, राम नाम मिला और उसके बाद तपस्या करके वो वाल्मीकि बने। सत्संग से कैसे इसका व्यक्ति का उन्नति होता है इसके बारे में भी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं भागवत में। इसके बारे में कहते हैं, यद्य सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्तितो रमते जंतुः तमो विशति पूर्ववत्। इसलिए व्यक्ति को सतर्क करने के लिए ये बात बताया गया। देखो, जब जो व्यक्ति शिष्णोदर परायण, मतलब सब समय है ना भोग में आसक्त जो है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष के साथ वास कर उसके ही आचरण का अनुसरण करता है, जो व्यक्ति इनका अनुसरण करता है, मतलब जो सिर्फ है ना ये भोगासक्ति, भोग में आसक्ति है उनको और कुछ नहीं, उससे उसको छोड़ के और कुछ नहीं जानते, ऐसे लोगों का जो संग में रहते हैं उसका आचरण अनुसरण करते हैं, उसकी गति अंधकारमय नरक में होती है। गति मतलब वो धीरे 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 गिर जाता है, पतन हो जाता है उसको, उसका है ना पतन हो जाता है, अपने जो आध्यात्मिक मार्ग से उसका पतन हो जाता है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए, व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे देखिए कैसे इसका ये होता है, सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि ही श्री हीर्यश्च क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत संगात याति संक्षयम। ऐसे लोगों का इसमें रहने से, संग में रहने से मन के अंदर जो भी भगवान ने दिया है कई कई है ना अच्छा गुण, वो क्षय हो जाता है। वो कैसे गुण है, सत्य। ऐसे लोगों के साथ रहने से वो तो दुस्संग, मतलब आप जानते हैं, उनको किसी ना किसी तरफ अपना जो जो भी आपको पाना चाहिए उसको पाने के लिए जो भी है ना वो कर लेंगे, उसको कोई उसमें इतराज नहीं है। दुस्संग मतलब दुर्मार्ग में रहते हैं। सत्य है ना, पहले अपने अंदर से सत्य उसका विनाश हो गया, और उसके बाद शौचम जो चित्त शुद्धि जो है जितना भी है वो भी नाश हो जाता है। दया है ना, अंदर से दया जो है अपने अंदर मानव के अंदर भगवान ने जो दिया है दया, उसका भी नाश हो जाता है। और उसके बाद मौनम है ना, जब बैठ के ध्यान करते हैं मौन है ना, उस समय जितना समय ध्यान करते हैं समय मौन रहते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ रहोगे ये ध्यान करने का बात छोड़ दीजिए, सब समय चिल्लाते रहता होगा, और वो भी हम उसको भी नॉर्मल समझ जाते हैं। और धीरे धीरे उसके बाद बुद्धि नष्ट हो जाता है, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि मतलब क्या है, सत क्या है असत क्या है, उसको समझने का शक्ति जो है, जो सत्य है जो मिथ्या है उसको समझने का शक्ति जो है वो भी नष्ट हो जाता है। और उसके बाद श्री ही, उसके पास जितना भी संपदा जो है वो विनाश हो जाता है। क्षमा, किसी को क्षमा नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति ना, किसी को क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए शमो दमः इंद्रिय निग्रह, अंतर इंद्रिय निग्रह और बाह्य इंद्रिय निग्रह यो भी नाश हो जाता है। भगश्चेति यत संगाद्यति याति संक्षयम, इन लोगों के संग से, जिस किसके बारे में, किसके संग से, जो भी भोग परायण होते हैं उनके संग में जो रहेगा उसका भी ये सब नष्ट हो जाएंगे, संक्षयम नाश हो जाएंगे। इसलिए
वो कहते हैं थोड़ा सावधान रहो इन इन लोगों से अपने आप को बच के रखना, क्योंकि जब है ना पता नहीं लगता कैसे हो गए। श्री रामकृष्ण कहते थे कलकत्ता में वो मॉन्यूमेंट ना, वाटर लोनिया मॉन्यूमेंट है, वहां जाने के वक्त एक रोड है, उसमें थोड़ा स्लोप है, जब है ना वो स्लोप में जाते हो तब पता ही नहीं लगता, मतलब हम स्लोप में जा रहे हैं, वहां दूर जाके पीछे हट के देखने से वो कितना नीचे आ गए हम लोग, पतन होने के वक्त ये पता ही नहीं लगता, जब संपूर्ण रूप से पतन हो जाता है तब अकल आता है, तब तक पता ही नहीं चलता। इसलिए थोड़ा है ना अपने आप को बचा के रखना होगा इस इन चीजों से, ये बात कहते हैं शास्त्र में, इसके बारे में कहते हैं। इसलिए और ये जो इसमें उपनिषद में भी इसके बारे में ये बात कहते हैं, पराच कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्योर यन्ति विततस्य पाशम अथ धीराः अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुववेश्विव न प्रार्थयन्ते। पराच कामान अनुयन्ति बालाः, देखिए शास्त्र में हमें ये दो चीजों के बारे में बताते हैं, श्रेयः प्रेयः। श्रेयः मतलब जो श्रेयस्कर है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और प्रेयः जो करने में हमें अच्छा लगता है लेकिन धीरे धीरे हम विनाश की ओर ले जाता है। श्रेय और प्रेय ये दोनों अलग अलग चीज है ना। और ये पराच कामान अनुयंति बालाः, शास्त्र में बालक किसी को बताया मतलब वो एक है ना डांटने का ये है ना, वो इतना मतलब संस्कृत भाषा में इतना सुंदर भाषा है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं बालाः, वो बच्चे जैसे हैं, बच्चे मतलब उनको अच्छा बुरा का ये समझ नहीं रहता है बच्चों का, इसलिए ऐसे लोग क्या कहते हैं, जो लोग पराच कामान अनुयंति, ये जो इंद्रिय के लिए जो भी अच्छा लगता है उसको जुटने में लग जाते हैं, उनको पता नहीं जब इंद्रिय के लिए अच्छा हो लगता हो सकता है, मतलब जब कोई एक, मैंने सब समय एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण ये है हम जब खाना खाते हैं उस समय करेला और जलेबी ये दो आइटम है, जब करेला हमें पता है दो रोज हम एक पीस करेला खाने से कैसे हमें आरोग्य का ये है ना उस बेनिफिट होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है, खाने के वक्त बहुत कष्ट होता है, अच्छा नहीं लगता, बच्चे को खाने के लिए देने से खाना छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म देखिए इसको श्रेय कहते हैं, इन द लॉन्ग टर्म इट इज बेनिफिशियल, इन द लॉन्ग टर्म इट इज हमारे जो आरोग्य के लिए वो अच्छा है, इसलिए उसको खाना होगा। और उसके बाद जब जलेबी आ जाता है सामने तो खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कितने खाते हैं, क्या जलेबी ही खाते रहेंगे, हम सब जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा, उसके बाद फिर परमानेंट पेशेंट बन जाएंगे और डॉक्टर से ना डायबिटीज मैनेजमेंट करते रहेंगे, आपके अंदर जो डायबिटीज है उसको मैनेज करते रहेंगे डॉक्टर, परमानेंट पेशेंट बन जाएंगे, उसको जितना खाएंगे उतना जल्दी हो जाएंगे, ये पता है। इसका मतलब श्रेयः प्रेयः, हमें जो ये जो है जलेबी जो है हमें प्रिय है, खाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म इट इज हार्मफुल, उसको प्रेय कहते हैं। और श्रेय जिसको कहते हैं जो है हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है। इसलिए देखिए जब दो प्रोग्राम है, मानिए दो प्रोग्राम है, कोई एक मैरिज पार्टी है और आश्रम में एक ये है प्रवचन है, किसको चुनते हैं, हमें तो मैरिज पार्टी में जाने में अच्छा लगता है ना, लेकिन आश्रम में जाने में अच्छा नहीं लगता है, और कोई कार्यक्रम में आ जाते हैं, ऐसे कई लोग हैं, मतलब आपके बारे में नहीं बता रहा हूं, मतलब जनरली मैं जब हम जब देखते हैं, क्योंकि वहां जाएंगे बहुत सारे है ना ये
अलग अलग तरीके का रहेगा, आश्रम में बैठेंगे वहां स्वामी जी एक ही बात कहते रहेंगे, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट, क्योंकि मन को परिशुद्ध करता है, अच्छा सोच डालता है, भले ही सुनने में उतना अच्छा नहीं जो लगे, लेकिन उससे अपने के लिए, अपने मन के लिए, मन की शांति के लिए ये अच्छा है, मैं पता है। इसलिए उसको श्रेय कहते हैं। और प्रेय क्या है? करने में अच्छा लगता है, जो भी करने में अच्छा लगता है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म इट्स गोइंग टू हार्म, हमें बुरा करते हैं। इसीलिए इस चीज को समझना चाहिए, सत्संग दुस्संग, यही ये इसमें ना फर्क ये जो है। इसीलिए शास्त्र कहता है पराच कामान अनुयंती बालाहा, जो अच्छा लगता है वो करते रहते हैं ना, वो लोग बच्चे हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं, अच्छा लगता है करते। बच्चों को दे दो मिठाई, ज्यादा खाना चाहते हैं। लेकिन आजकल तो बच्चे जब आते हैं ना आश्रम में, हमें एक आदत है चॉकलेट देने का, जब चॉकलेट देते हैं बच्चे माँ के ओर देखते हैं, क्योंकि माँ घर में नहीं देती और उसको सतर्क भी कर लेती है, किसी से चॉकलेट मत लेना, वो अच्छा नहीं है तुम्हें, है ना, ये अकल रहती है। लेकिन स्वाभाविक रूप से क्या होता है, हमें अच्छा लगता है खाने के लिए। इसीलिए ये जो ये भाव जो है, भला भला बुरा उसको समझना, ऐसे होता है कि जब हम कुछ ये उपयोग करते हैं, इंद्रिय है ना, उसको जो अच्छा लगता है, इसका मतलब नहीं ये वो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, ये बात हमें समझने से ठीक हो जाएगा। इसलिए बच्चे लोग ये करते हैं, मिठाई खा लेते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं, जिसको अकल होता है, सोचने का शक्ति है, वो उसको नहीं करते। ते मृत्योरियंती वितदस्य पाशम, मृत्यु का पाश के ओर जाएंगे, जो है ना इंद्रिय के लिए जो अच्छा लगता है उसको करते करते धीरे धीरे मृत्यु पाश के ओर चले जाते हैं। अत धीरा अमृतत्वम विदित्वा, कई लोग क्या करते हैं, धीरा धीरा मतलब उनको धैर्य है, उनको पेशेंस है, भला बुरा जो भी है उसको समझ है उनको, और उसके बाद सिर्फ समझ तो सबको होता है, लेकिन जो अच्छा है उसको करते हैं, उसको धीरा कहते हैं, है ना, धैर्य है उनको, जो भी अच्छा है वो ही करेंगे, बुरा जो होता है, जिससे बुरा होता है उसको नहीं करेंगे, ऐसे लोग को धीरा कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, ध्रुवम अध्रुवेश्विवा न प्रार्थयन्ते, वो ध्रुवम मतलब जो भी शाश्वत है उसको पकड़ेंगे, जो शाश्वत नहीं है मतलब तब के तब कोई कुछ खुशी दे देता है, ऐसे चीजों को नहीं चाहते हैं, ऐसे चीजों को नहीं चाहते हैं। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः, इसलिए शास्त्र में ये भगवद गीता में भी इसके बारे में ये कहते हैं, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि ममाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य, शास्त्र मतलब धर्म, धर्म हमें क्या कहता है, जो भी करना है उसके बारे में बताते हैं, जो भी नहीं करना, विधि और निषेध इसको कहते हैं, विधि और निषेध, जो भी करना है उसको विधि कहते हैं। धर्म में क्या कहता है, धर्म सुबह उठ के थोड़ा भगवान के नाम स्मरण करो, सुबह उठ के थोड़ा भगवान के नाम स्मरण करो, है ना, ध्यान करो, और ये सब के बारे में कहते हैं वो धर्म, इसलिए विधि कहते हैं। और जो भी नहीं करना उसके बारे में भी कहता है, क्या कोई चीज है ना उसको जो अति सर्वत्र वर्जयेत, ज्यादा नहीं, वन शुड नॉट इंडल्ज एक्सट्रीमली इन एनीथिंग, जो भी चीज है अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए मध्यम पंथा इसको हमें पालन करना चाहिए। सब कुछ चीज में थोड़ा अपने अकल को सोच के काम करो, ये शास्त्र कहता है, विधि और निषेध, जो करना है जो नहीं करना, इसके बारे में शास्त्र कहते हैं। लेकिन इसको छोड़ के यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि को त्याग करके उसको फॉलो नहीं करते, उसको परवाह नहीं करते, वर्तते कामकारतः, जो भी अच्छा लगता है वो करते हैं, सिर्फ अपने को, जो भी अच्छा, अपने को मतलब अपने इंद्रिय को, देखिए इंद्रिय को जो अच्छा लगता है सभी वो करने लगे, बहुत मुश्किल है इस समाज में जीना, बहुत मुश्किल हो जाता है,
हम वो भी देख रहे हैं ना आजकल, हम तो जहां भी जाओ सब बोलते हैं हम तो फ्रीडम, अभी तो 75 ईयर्स, कल तो हमारा ये होगा अमृत महोत्सव होगा फ्रीडम का। और हम फ्रीडम मतलब हम क्या समझते हैं, मैं जो भी बोल सकता हूँ, ये एक इंद्रिय हो वाग इंद्रिय, इसको हमें फ्रीडम मिल गया, मैं जो भी कर सकता हूँ वो भी फ्रीडम मिल गया। लेकिन मैं जो भी बोल सकता हूँ जो भी कर सकता हूँ मतलब क्या है, अपने मन में जो भी आता है उसको करने का इच्छा है ना। लेकिन अपने मन में जो भी आता है हमारे भलाई के लिए या बुराई के लिए, ये कौन कथा बताएंगे। देखिए कुछ भी कहो फिर कोई सामने वाला जो है वो अपने से स्ट्रांग है, दो थप्पड़ मारेगा तब क्या उससे क्या होगा। इसलिए थोड़ा सोच के हम करते हैं, भगवान ने बुद्धि दिया है मतलब मैं जो भी बोलूंगा वो ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सामने वाला व्यक्ति जो है उसको दुख नहीं पहुंचाना, आप जो भी बोलो लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है उसको दुख नहीं पहुंचाना, अपना फ्रीडम उतना दूर तक है ना। ये जब समझेंगे ना उसको शास्त्र विधि कहते हैं, शास्त्र यही कहता है। इसीलिए जो व्यक्ति इसको नहीं समझता है वो समझता है मतलब जो भी कर सकता हूं, जो भी कर सकता हूं मतलब अपने मन में जो सोच है ना, इसका मतलब हम फ्रीडम को किसको कहते हैं। इंद्रिय के लिए स्वातंत्र चाहिए हमें, फ्रीडम फॉर द सेंसेस। लेकिन सचमुच स्वातंत्र जो है फ्रीडम फ्रॉम द सेंसेस, हमारे जो मन जो है हमारे सोच है बुरा सोच है उससे हमें मुक्ति चाहिए। सचमुच मुक्ति मतलब वो है, उसको स्वातंत्र कहते हैं। उसके लिए स्वातंत्र चाहिए हमें, किससे, हमारे मन के बुरे सोच से स्वातंत्र चाहिए हमें। क्योंकि बुरे सोच जो भी हो सामने वाले व्यक्ति को जो भी करो लेकिन आपको अपने आप को विनाश की ओर ले जाएगा। क्योंकि जब बुरा सोच होगा बुरा काम करेंगे, बुरा काम करते करते कितना दिन टिक पाएंगे हम, है ना। एक ना एक दिन हमें विनाश की ओर जाना ही पड़ेगा। रास्ते में जब जाते हैं तो रोड टैक्स तो दिया है इसलिए भाई तेजी से गाड़ी चलाऊंगा, ये गाड़ी तो अभी 180 किलोमीटर फास्ट चलेगा मैं ही चलाऊंगा, मैं तो टैक्स दिया हूं। ऐसे सोच मन में आने से इसका मतलब क्या है, ये अपने भलाई के लिए नहीं है, ये सोच अपने भलाई के लिए नहीं है। यदि मैं बोलूं जो मेरे मेरे को स्वातंत्र है फ्रीडम है, इस फ्रीडम के बारे में नहीं, फ्रीडम फ्रॉम द सेंसेस, अपना बुरा सोच जो है फ्रीडम फ्रॉम द माइंड, ऐसे बुरा सोच है उससे हमें स्वातंत्र चाहिए। शास्त्र यही कहता है जो अपने सोच जैसे मन में जो बुरा सोच आता है ना उसको अमल करता है उसको स्वातंत्र नहीं कहते हैं। वो वर्तते कामकारतः, मन में जो भी सोच आएगा वो करेगा। ऐसे व्यक्ति न स सिद्धि मवाप्नोति, अपने मंजिल को कभी नहीं पहुंचेगा, अपने मंजिल को वो कभी नहीं पहुंचेगा। न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम, कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखिए जो सुख के पीछे जब भागते हैं ना उसके साथ साथ दुख भी आ जाता है। हम जानते हैं सुख और दुख दे आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, आप सुख चाहो उसके साथ दुख भी आएगा, इसलिए ये बात तो पता है। इसीलिए ना सुखम, उसको सुख भी नहीं होगा, सुख के साथ दुख भी होगा, उसको दुखी ही रहेगा वो। इसलिए ना सुखम ना परामगतिम, उसको परागति मतलब मुक्ति जो है वो भी नहीं मिलेगा। शास्त्र बहुत भगवत गीता में बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, मतलब जो भी भगवान का जो ये है प्रेम जो है भक्ति, भक्ति पाने के लिए जो भी कोशिश करेंगे उनको ये सोचना होगा, मन में जो भी बुरा सोच रहेगा ऐसे व्यक्ति से कि हट के रहना, बच के रहना अपने आप को। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास रहेंगे उसका जो है ना प्रभाव हमारे मन में होगा। जैसे भक्ति बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने के लिए सत्संग चाहिए, वैसे ही दुस्संग से दूर रहना चाहिए। दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, ये दुस्संग जो है सर्वथा सर्व प्रकार से इसको त्याग करना होगा। श्री रामकृष्ण इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, ये जो ये है ना तो क्या
देखिए, ईश्वर सभी जीवों में है ना। हमारे प्रश्न ये भी होता है जब हम बताते हैं दुस्संग सर्वतैव त्याज्या, तो उसके अंदर भी भगवान है ना। ईश्वर सभी जीवों में है, साधु असाधु, भक्त अभक्त, वस्तुतः सबके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। यह हमारा प्रश्न है। भगवान तो उनके इसमें भी हृदय में भी है, बसा है, उनका वास है। सब फिर उनको त्याग करना कैसे, ये है ना, ये सोच आ जाता है। किंतु बुरे लोगों का संग करना उचित नहीं है। किसी के साथ केवल मुंह से मात्र बातचीत की जा सकती है। किसी लोगों के ना मिलने से हेलो हाउ आर यू, बस उतना ही और ज़्यादा नहीं। इसका मतलब हम समाज में हैं, सबसे मुंह मुड़ के चले जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, उनसे ग्रीट करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन थोड़ा दूर के दूर से। और उसके बाद और किसी के साथ वह भी नहीं, किसी किसी के साथ वह भी नहीं होगा। ऐसे लोगों से अलग ही रहना होता है। ऐसे लोगों से अलग ही रहना होता है, कई कई लोगों से अलग ही दूर ही रहना होता है। उन लोगों को दूर से ही प्रणाम करना, उन लोगों को दूर से ही प्रणाम करना, क्योंकि उनके अंदर भी परमात्मा है, इसलिए उनको दूर से प्रणाम करना होगा। सच ही बाघ के भीतर भी ईश्वर हैं ना, किंतु बाघ का आलिंगन करना उचित नहीं समझा जाता है ना। वो नारायण जो है व्याघ्र के अंदर भी है, बाघ के अंदर भी है, नारायण है, लेकिन उसको क्या करेंगे, उस नारायण को दूर से, क्योंकि पास जाओगे बस आपका अस्तित्व मिटा देगा वो। इसलिए क्या करना चाहिए आपको, आपके भलाई के लिए नहीं है उस, इसलिए उसको दूर से प्रणाम करना होगा। वैसे ही ये जो दुष्ट लोग होते हैं उनको दूर से ही प्रणाम करना होगा। किसी किसी लोगों के साथ थोड़ा बातचीत हो सकता है, हेलो हाउ आर यू, इतना सा बातचीत हो सकता है, लेकिन और किसी किसी लोगों से उतना भी नहीं, क्योंकि उनका प्रभाव इतना जोर से रहता है। बातचीत करने शुरू करो, धीरे धीरे उनके संग में आ जाओगे और उनका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये अपने आप को बच के रखना होगा। शास्त्र में है कि जल नारायण है, आपो नारायण, शास्त्र कहता है आपो नारायण है, जल नारायण है, किंतु सभी जल का पान नहीं किया जाता। सभी जल का पान, जलपान नहीं किया जाता। किसी जल से देवता की सेवा होती है, फिर किसी जल से पांव धोया, कपड़ा फींचा और बर्तन माला जाता है, किंतु उससे मुंह धोना और उसे पीना या उससे देवता की सेवा नहीं की जाती। उसी तरह सभी जगहों में ईश्वर हैं, किंतु किसी जगह पर जाया जाता है और किसी जगह से दूर से ही भाग जाना पड़ता है। समाज में जब है ना सत्संग और दुस्संग, इससे अपने आप को कैसे हमें बचा के रहना, इसके बारे में श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर और सरल रूप से ये बताते हैं। इसलिए जो लोग स्वयं कभी धर्म चर्चा नहीं करते, दूसरे को भी ध्यान पूजा करते देखने पर हंसी और व्यंग्य करते, धर्म और धार्मिक लोगों की निंदा करते, वैसे लोगों का संग साधना की अवस्था में कभी भी नहीं करना। ऐसे लोगों के संग साधना की अवस्था में कभी भी नहीं करना। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, क्योंकि आप जो भी करेंगे ना थोड़ा थोड़ा, उसको भी हंसी उड़ाएंगे, वो लोग मजाक करेंगे, व्यंग्य करेंगे, जो भी जब आपको बोल देंगे अच्छा अच्छा अभी अभी वो ध्यान करके आया, देखो ऐसे कुछ ना कुछ कहते हैं, जिसे आपको अपमान हो और आपको मन में खति लगे, है ना, ये सब के लिए आपको ये करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, क्योंकि मन में जो भी जितना भी भक्ति है उसको ये लोग नाश कर देंगे, उनका प्रभाव जो है वो नाश कर देगा। जैसे सत्संग करना होता है, वैसे ही दुस्संग से दूर रहना भी उतना ही जरूरी है।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।